एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, हम जाएंगे डॉक्टर भीमराव जी की रैली में, है ना? रैली में बहुत ज़्यादा धूप भी है, बट ठीक है, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। वैसे हमको शोरूम भी आज जाना है, संडे है, बट जाना पड़ेगा। शाम को जाएंगे 3-4 बजे तक। तो जब तक उधर इंजॉय करके आते, तो अभी हम लोगों का खाना बन गया, खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी जाएंगे सचिन को टिफिन देंगे, उसके बाद देखते हैं। मास्क नहीं लगाया रे? मास्क घूम गया, किसने चोरा? उसके मास्क कितने घूमते हैं, मेरे को क्या पता किसने चोरा भाई। तो हम लोग आ गए थे शोरूम, क्योंकि शोरूम पे काम था तो रैली में जा ही नहीं पाए। अब देखते हैं जाना हो भी पाता है कि नहीं। और आज माता जी का फिर से विसर्जन है, कुछ रोकते हैं ना रथ वगैरह, तो वो होगा। तो आज देखते हैं हम लोग जाएंगे, कल तो जा ही नहीं पाए थे, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए आज जाएंगे। हम लोग रुके हैं पानी पूरी खाने, प्यास लगे सबसे पहले, तो बाल कहाँ जा रहे थे। ठंडा है, आ चुके हैं घर, अब रेडी होंगे फिर जाएंगे माताजी विसर्जन में। बस आज की ओर है, हमें तो पता ही नहीं था कि आज भी माताजी रहेंगे। 2000 years later. तो इधर हम लोग रेडी हो चुके हैं, और देखो इन लोगों ने मुझे आज भी साड़ी पहना दी। रोज साड़ी पहना रहे हैं यार, उनको बहुत साड़ी पहनाने की पड़ी रहती है। मेरी की नहीं है रूम की, तो फिर मुझे आरोही की साड़ी पहननी पड़ी। तो हम लोग निकलते हैं, 7 बज गए हैं अभी। इधर आरोही भी रेडी है, जरा फेस इधर करना। अरे मैंने साड़ी पहन ली, मैंने पहले दूसरी पहनी थी ब्राउन कलर की, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो पिछली बार भी ब्राउन पहन चुकी हूँ, तो फिर मैंने वो चेंज करके ये वाली पहन ली। चलो निकलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे दीदी के घर, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है, पता नहीं। आईलाइनर मोटा है ना? नहीं, अच्छा है, मस्त मेकअप किया है तूने, तेरा ड्रेस भी मस्त है। देख अपन सब सेम है, भाभी तो मैं। चलो चलो, सब रेडी है कि नहीं? सब रेडी, सब रेडी ना भाभी है। क्यों? अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी है। शुरुआत भी नहीं की? हाँ, वो रही दीदी की साड़ी। मामा देखो ये लोग अब रेडी हो गए, कब से आ गए हम, 1 घंटा लिया इन लोगों ने रेडी होने में। आंटी साउथ की आंटी। मेरा पूरा लुक भी दिख रहा है यार इसमें तो। चलो
जवारे ले लिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक दो। भैया एक मुझे भी ले लो आप। मैं भी आऊँ कि नहीं? मैं नहीं आऊँ तो ठंडी भी कर देना। लल्ला आरोही ये हमको छोड़ के चले गए, हम यहीं खड़े हैं। मामा को कोई मिल गया फ्रेंड वगैरह तो उनसे बात करे, तो उनका वेट कर रहे हैं, उनने हमको देखा भी नहीं, निकल लिए, पीछे है हमारे साथ। मामा सारी बातें आज ही कर लेंगे मुझे लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत थकान थकान लग रही, दो तीन दिन हो गए ना कंटिन्यू जागते जागते, ठीक से नींद भी नहीं हो रही मेरी तो। आरोही के घर इतने मच्छर काटते हैं कि मत पूछो, रात भर नहीं सो पाई मैं। लोग आ चुके हैं घर, सबसे पहले चेंज करेंगे, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और थकान तो बहुत ही लग रही। पता नहीं क्यों इतना थक गए, दो तीन दिन से घूम रहे ना कंटिन्यू, इसलिए थक गए हैं। इतना गर्म लग रहा, गेट बंद था तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा। आज बेड पे ही सोएंगे है ना, कूलर की हवा नीचे बिल्कुल नहीं लगती, सो ही नहीं पाएंगे तो। कल चेंज कर लिया, मैं बनाऊंगी साबुदाना आज।
साबुदाना और रायता। A few moments later. हम लोगों का खाना तो हो गया, मतलब खाना तो बनाया नहीं था, सिर्फ साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी क्योंकि दाल चावल खा लिए थे हम लोगों ने। और अभी मैं मुँह हाथ धोऊंगी, बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल हो रही है क्योंकि सब बाहर घूम रही हूँ ना धूल में, और धूल से तो मुझे इतनी एलर्जी है कि अगर थोड़ी सी भी धूल मेरे फेस पे लगी तो मुझे पिंपल तत्काल होती है। इसलिए फ्रेश हो जाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ। सचिन तो सो भी गया क्योंकि उसको मॉर्निंग में 7 बजे उठना होता है, तो वो लोग सो गए हैं। मैं फ़िलहाल एडिटिंग करूँगी, उसके बाद सोऊँगी। एडिटिंग अपलोडिंग सारी करने के बाद ही सोऊँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। 12 बज गए हैं। पिंपल्स दर्द कर रही है ना मुझे, 2-3 पिंपल हो गई क्योंकि 2-3 दिन से सब धूल में घूम रही हूँ ना इस कारण से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और माता जी भी आज तो चले गए हैं तो अब सब सुना सुना लगेगा। इतने दिन से मतलब एकदम रौनक रौनक सी लग रही थी ना, इसलिए। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय श्री महाकाल।